वही बात करते हैं। वही बात मैं फिर से बोलूँगी कि बहुत खुश है आज, बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि 300 एपिसोड कंप्लीट कर लिए, और आप लोगों का प्यार ही है जो हमें यहाँ तक लेके आया है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यस, बिल्कुल सही बोला कि बिना आपके प्यार के ये सफ़र जो है 300 एपिसोड का, एक साल का, ये तय नहीं होता। आप लोगों का प्यार है इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए आप लोग। आई थिंक ये कंटेंट है जो बहुत मैटर करता है। जिस तरीके से हमारा शो स्टार्ट हुआ और उसके बाद चीज़ें गई हैं अब तक 300 एपिसोड तक, आई थिंक उन्होंने ऑडियंस को जो है वो होल्ड करके रखा है और उनको जाने नहीं दिया। यस, कभी कभार चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, बट वापस से वो आ जाती हैं, और लाइफ में भी ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन आप वापस कम बैक करो तो आपका सफ़र, जर्नी बहुत अच्छी होती है। भाई हमारे शो के साथ हुई है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कभी चीज़ें हुई हैं, नीचे गया है फिर ऊपर आया है, बट ओवरऑल अगर पूरी जर्नी देखी जाए हम मोस्टली नंबर वन पे रहे हैं, और शो को बहुत प्यार मिला है, इंटरनेट पे बहुत प्यार मिला है, यू नो सोशल मीडिया पे बहुत प्यार मिला है, तो यस ओवरऑल अब तक सफ़र जो है वो बहुत अच्छा था, और बस उम्मीद करते हैं आगे भी जो भी सफ़र हो वो बहुत अच्छा हो। मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को वही सब पसंद आता है, हमारे शो में सब कुछ है, रोमांस है, ड्रामा है, यू नो लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ है, तो बस वही आप देखेंगे आगे, और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। तो एक्चुअली हम लोग प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करते, क्योंकि हमारे हमारे हाथ में होता है कि हम मेहनत करें, जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही हैं हम उसको 100% पोर्ट्रे कर सकें, उसको एग्जीक्यूट कर सकें, इमोट कर सकें, बाकी फैसला आप सबके ऊपर होता है। और अब तक ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने पसंद ही किया, मैं घूम फिर के फिर वही बात बोल रहा हूँ, आप लोगों ने पसंद ही किया उस चीज़ को, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो आप, बोलो। ब्लैक मैजिक का ट्रैक आया था ना बीच में एक बार। हाँ, अरे आपको सब याद है, हम सब देखते हैं। तो क्या कहना था, हाउ वाज एक्सपीरियंस दैट, मतलब उस दिन चोट भी लगी थी जब आप ये शूट कर रहे थे। हाँ, मतलब अब तक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे से बहुत कुछ करने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इनफैक्ट जो आप ब्लैक मैजिक का ट्रैक बोल रहे हैं वो भी ऐसा था कि हमने ब्लैक मैजिक को प्रमोट नहीं किया, आज भी होता है कई जगह पे, तो हम उसको बता रहे थे कि नहीं ऐसा होता है, ये हाथ की सफाई होती है, इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, प्रमोट नहीं। एंड यस, फाइट सिक्वेंस में बहुत ज़्यादा मुझे चोटें लगी हैं, और इत्तेफाक से ऐसा जब हुआ है कि जब जब फाइट सिक्वेंस हुआ है तब तक कुछ ना कुछ मुझे लगा ही है, लेकिन फ़ाइट वगैरह करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो दर्द कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। और यस, पूरी जो टीम होती है उनके सुपरविजन में होता है, फाइट मास्टर आते थे, योगी सर डायरेक्शन वाले होते थे, सब लोग यहाँ पे होते थे, तो अच्छे से, तो यस मुझे तो फाइट सीक्वेंस करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए इनके इतने फाइट सीक्वेंस आते हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।